हेलो हाय नमस्कार सत श्री अकाल राम राम, स्वागत है आप सबका एक बार फिर नए व्लॉग में। और बाहर का नज़ारा इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मौसम बहुत बढ़िया हो रखा है, फाइनली बारिश होगी। जो जी लिकड़ा गर्मी में था उसमें ईब राहत है। और राखी का त्यौहार आ गया, कत्ती लो है, एक दिन का फर्क रह गया। लुवाइया की बहुत भाग दौड़ रहा है भैया, अपना तो की है मतलब गोज में तो कैश काटा कुछ कार कर थाली में धर दिया भाई, अपना तो देखो इतनी सी काम है। पर लुवाइया का बहुत भाग दौड़ रहा है भाई, कपड़े खरीदने, ड्रेस खरीदनी, सूट खरीदने, राखी खरीदनी, फिर भैया दूर जाना। मेरा याद है अभी भी बचपन के दिन जब गाड़ी तो है नहीं करती तो मामा के लेके जा रही थी, मम्मी बस अड्डे पर खड़े रहते हो, लद्दी आती सारी बस भरी, वाह उस तो फालतू भरी, वाह उस तो फालतू भरी। फिर मेरा पाटा करता सीएम साहब ने घोषणा कर दी एक रक्षाबंधन खातर लेडीज की जो है वो मुफ्त यात्रा है, टिकट नहीं लगेगी। इतनी ओवरलोडेड बस आया करती भाई, जाया करते जब भी मामा गया मतलब भी दिन थे ईब तो गाड़ी गुड्डी साधन सुधन है अपने, एक के दिन में सारे काम कवर हो जाए। पर वो भी उस टाइम पर मतलब प्रोजेक्ट होया करता रक्षाबंधन भी एक, हालांकि ईब भी जो लड़की इस व्लॉग ने देखेंगे वो रिलेट कर लेंगे कि छोटे सम सारी इस बात ने ईब आज के दिन में के करांगे हम, आज के दिन में करांगे बड़का की रखवाली। ये तो सोचो कि बालका की के रखवाली करनी है क्योंकि घर पे कोई है नहीं, सब अपने काम से इधर उधर गए हुए हैं, तो बच्चे आज हैं अपनी जिम्मेदारी में अपनी। यो थारा भाई इसकी जिम्मेदारी पे ऊँ तो रखवाली तो क्या करनी है, बस बड़ा अकेला टाइम स्पेंड करना है, दिन लिखट जाएगा। बाकी मैं आज एक बहुत अच्छी जगह जाऊँगा और लास्ट तक देखना वीडियो को, आपको वो जगह 100% पसंद आएगी। भाई बच्चा पार्टी क्या मौज आ रही, खेल रहा, क्या कर रहा, खेल रहा था, क्या खेल रहा, पबजी, पबजी खेल रहा, हाँ। इसके लिए आ गया एप्पल के लिए, हाँ, वेट है मौज करती बेटे, वो का है छोटा पैकेट, ट्यूशन ले रहा, देखते हैं देखते हैं देखते हैं क्या देखते हैं क्या देखते हैं आपने किया क्यों, रीजन क्या था इसका, कल भैया कल्याण में जब लिख रहा था तो फिर मैं इसे पूरा गलत हो गया, तो फिर तो एक तो फिर एक क्रॉस मार के खत्म कर देते, ये क्या तमाशा उतारा आपने, टाइम पास करता है ना, टाइम पास क्या, ये तो कल की कल मैंने कर दिया था बेटे, कभी मैं भी तेरी क्लास में ही था, समझ आई तो मेरे को सब पता, भैया क्यों लैंडिंग हो रही है, सर भी बिजी है, सर डिस्टर्ब तो नहीं किया, दोनों भाई ठीक है, ये क्यों मतलब किसी टाइम में मैं भी खेलता था दिन रात, लेकिन अब बिल्कुल याद भी नहीं आती इस गेम की, यही होता मतलब एक बारी मतलब आपका एडिक्शन चढ़गी तो चढ़गी और फिर वो उतर गई ना तो फिर उतरती भी उतनी जल्दी है। मैं खेलता भी नहीं हूँ, मेरे को मतलब फर्क भी नहीं पड़ता पबजी दुनिया में है नहीं है कुछ भी नहीं, और पबजी मेरे जिंदगी का पहला गेम था, पहला और आखिरी भी। हाँ बचपन में थोड़ा बहुत वाइस सिटी वगैरह खेला था लेकिन एडिक्शन ऐसी कुछ नहीं थी, क्या झूठ बता, एट बॉल पूल नहीं था आपका पहला गेम, यार एट बॉल पूल अलग चीज है यार, स्नूकर्स और पूल तो मैं वैसे भी खेलता हूँ, मतलब मेरा ऑब्सेशन है, बहुत दिन हो गए खेले हुए। गुड़गांव में कोई है जो मेरा व्लॉग देख रहा है और पूल खेलता है मतलब स्नूकर खेलता है तो कमेंट करके बता देना, उसके पास जरूर आऊंगा खेलने के लिए क्योंकि मेरे को शायद 3-4 साल हो गए होंगे शायद ढंग से खेले हुए, तो कमेंट करके बता देना यार, जरूर मिलूंगा आपसे और हम जरूर मैच लगाएंगे। प्रदीप सर ये माचो खत्म हो गया तो कितना बढ़िया सुनहरा मतलब मौसम है, कुछ खाने के लिए दे दो यार, तो मैंने अपनी कर ली एडिटिंग पूरी, व्लॉग लगा दिया है अपलोड पे, अपलोड हो ही चुका बिल्कुल तैयार है, बस 8:30-8:30 बजे क्लिक करना और पब्लिश हो जाएगा, पोस्ट हो जाएगा। और बच्चों को संभालना बहुत आसान है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स इनकी क्लास चल रही थी, क्लास ले रहे थे ट्यूशन व्यूशन की और अब दोनों गेम खेल रहे हैं, इमन सोचियो कि कुछ खा पी के मनाड़े धर दिया, यो भाई ऊपर उड़े एसी मतलब पानी पड़े था टप टप दोनों साइड आते हैं, तो ये दो
मतलब हमने दिमाग लगा के दिमाग में खैर इसमें केल आना था तो दो पतीले धर दिए टप 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 इसमें पानी इकट्ठा हो गया भाई बेरा ने के चक्कर है इससे ऐसे में घणकरी दिक्कत रहा भाई है। बाकी और स्टेटा में ऐसी खराब हो जाए जो पानी पूरी टपकन लग जाते होंगे वो कॉल दे टेक्नीशियन मैकेनिक जो भी रिपेयर खातर आया करे मारे आड़े कुछ ना एक दो दिन देखा है एक बार पोछा पाचा मार लो ये थे फिर देखा है क्या करना एक दो दिन तो को जुगाड़ बांध देंगे कभी आप पे ठीक हो जाए और कभी देख रहे ना 10 में से 5 या 6 बार आप पे ठीक भी हो जाए। हरियाणा में किसी मशीनरी में दिक्कत आ जा रहा है एक इलाज है उन दर्द दोनों की नो एक दिन पाचे देखिए वह ठीक पाओगी तेब हमने न्यू पतीले लगा के छोड़ दिया। बाकी हमने सोना भी आड़े देव कहते तू बीजे रात में ज़्यादा हो जाए टिप टिप देव सोता इस साइड देखते हैं रात तक कम होती है ज़्यादा होती है नहीं तो फिर दूसरे कमरे में गेरांगे वह अपने गुदड़े। तो अब बच्चों को रखने का समय हुआ समाप्त अड़कस आ गया तो बच्चों को रखने का समय हुआ समाप्त मामी वापस आ चुकी है देव पबजी खेल रहा है ये पबजी वापस आ गया मैंने सुना यार मतलब दोबारा एक मेडल मारे भी है तो मैंने सुना है कि पबजी वापस आ चुका है आ ही गया होगा शायद सारे खेलते रहते हैं पहले पता नहीं ना कुछ इशू था कि आईफोन में नहीं चल रहा और क्या कुछ मतलब कुछ लफड़ेबाजी थी इसमें तो वो मेरे ख्याल से सॉर्ट आउट हो चुकी क्योंकि वासु बता रहा था कह रहा था भैया अब तो आप भी डाउनलोड कर लो। मैं कहा भाई व्लॉगिंग स्टार्ट करने के बाद मेरे पास जो टाइम रहता है ना वो सारा यूट्यूब में चला जाता है अब मैं पबजी नहीं खेल सकता। वासु बाहर टीवी देख रहा है पता नहीं क्या देख रहा है आई एम नॉट श्योर अबाउट डैट। अभी चलते हैं एक बहुत अमेजिंग जगह पे मुझे कुछ काम भी है वहाँ पे और मैं आपको एक टूर भी करवाता हूँ उसका। तो देव के ना टेंशन हुई कहता भैया पिछले शॉट में भी आपने मुझे पबजी खेलते हुए दिखाया था इस शॉट में भी पबजी खेल रहा हूँ ऐसा ना हो ये व्लॉग पापा देख ले गलती से भी बहुत बुरा फिट जाऊँगा। बीच में ट्यूशन ले रहा था वो भी दिखाया था मैंने नहीं दिखाया क्या व्लॉग में मतलब बीच में ट्यूशन भी लिया स्टार्टिंग में गेम खेला एंड में गेम खेला ऐसी बात नहीं है लेकिन वो बहुत वो छोटा पैकेट जो है ना वासु वो बहुत एडिक्टेड है स्क्रीन के वो टीवी आईपैड आईपैड टीवी आईपैड आईपैड टीवी मतलब लाग गया रहा है देख फिर भी अपने लिमिट्स करके एक दो गेम खेल के बंद कर दिया पर वो डाकी कति चपटा रहा है इनका। अब कह रहा है भैया आपने ये क्लिप तो गलत बना दिया अब तो जरूर पिटूंगा पापा से। भाई जहाँ जाना था वहाँ तो जा नहीं पाया एक दोस्त का फोन आया बोला कि हम लेने आ रहे हैं आजा आजा चलते हैं एक बार मार्केट तक ना वो आए और ना मैं अपने काम पे जा पाया भाई कति बीच मोड़ जा गिर दिया लेकिन एक सुंदर चीज बहुत है भैया ये देख लो ये देखो भाई भाई साहब मजा आ गया सनसेट देख के बहुत ही सुंदर। अरे मेरे यार बेरा ने कित फंस गया लुभैया के चक्रा में यार पांच मिनट आ रहे हैं यार पौना घंटा हो गया जहां जाना था ना जो मैं कहते एक नंबर की जगह वो तो कैंसिल हो गया अब तो जाने का वहां पे फायदा नहीं है। दो तीन दिन में दोबारा एक प्लान करता हूँ उसके ना स्पेशल अलग से एक व्लॉग बनाता हूँ बहुत बढ़िया जगह मतलब ज़रूर पसंद आएगी आपको और काम भी वो रहेगा मन तो कुछ काम से जाना तो काम भी रह गया व्लॉग का कंटेंट भी रह गया। 3 में फ़ोन कर लिया मैंने 5 मिनट में आ रहा खड़े हूँ नीचे बाट देखूँ लिटरली 40 मिनट हो ली। भाई साहब ये क्या हुआ है मेरे साथ पूरी 55 मिनट वेट करने के बाद पता है दोनों महिलाओं ने क्या डिसाइड किया फ़ोन करके मुझे क्या बोला है यार बहुत ज़्यादा ना ट्रैफिक है हम सोच रहे हैं हम कल ही आएंगे दिन के टाइम। मेरा यूँ नहीं समझ में कौन सी गंदी बात बोलूँ अब इनको फ़ोन काट दिया भाई मैंने कुछ समझ ही नहीं आया मतलब भाग दिया लिटरली मेरे व्लॉग पे जहाँ मैं जा रहा था ना वो हो पाया जहाँ उनके साथ जाने का प्लान था मतलब प्लान तो उनका था वो मुझे इन्वॉल्व कर रहे थे ना वो हो पाया और दिन डल गया भाई कुछ है ही नहीं अब कंटेंट ही नहीं मेरे पास क्या व्लॉग बनाऊँ है बताओ देख लो व्लॉग क्या करूँ अब मैं कुछ है ही नहीं करने का। अब जा रहा हूँ कॉफ़ी पीने यहाँ पास में ही एक स्टॉल टाइप है चल पड़ो तुम भी साथ कुछ अच्छा लगे तो ठीक है व्लॉग को लाइक कर देना कुछ ना पसंद आए तो मेरी गलती नहीं है भाई इन दोनों महिलाओं ने करा है और जिन महिलाओं ने करा है ना उनको मैं एक्सपोज करूँगा अपने व्लॉग में जब नेक्स्ट टाइम वो मिलेंगे मेरे को पक्का। तो हम लोग अभी मार्केट आए थे मतलब मेरे को पता भी नहीं आपको मेरी आवाज़ सुन रही होगी कि नहीं अगर सुन रही है तो व्लॉग में डाल देंगे हम अभी मार्केट आए थे और ऐसे ही चलते चलते ना नीचे 100 रुपये पड़े हुए थे आसपास कोई था भी नहीं किससे पूछें तो उठा लिए वो पैसे पैसे नीचे पड़े भी अच्छी बात नहीं है तो मगर फिर अभी ये किसको दें तो अभी देव ने उसके दिखा तो उसके हमने ये बिस्किट्स लिए हैं यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे ऐसे घूमते रहते हैं बिस्किट्स उनको दे देंगे और कॉफ़ी पी के फिर चलते हैं घर पर।
तो हमने अपनी कॉफी यहीं पी ली, ये पैक करवाई है वासु के लिए क्योंकि हम उसको नहीं ले गए, बारिश का टाइम था ऐसी कीचड़ मचा हुआ था। चल सब सब में बांट दियो। अरे वो तो है ही नहीं। अरे वासी है, अरे यार बाथरूम में घुसा हुआ मैं, आपके लिए इतनी कुछ इतनी स्वादिष्ट चीज लाया हूँ यार, बर्गर जलेबी। गैस करो, गैस करो, नहीं गोलगप्पे भी नहीं, बर्गर भी नहीं, जलेबी नहीं, और गैस करो, पिज्जा भी नहीं है। अरे नहीं भाई बाहर आके देख लेना, समोसा भी नहीं है, टीवी के आगे रख दिया है मैंने। तो ठीक है फिर इस व्लॉग को करते हैं यहीं समाप्त। कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज व्लॉग को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो अभी सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आने वाले इंटरेस्टिंग व्लॉग्स आप सारे देखते रहो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक अपना ध्यान रखना, घर वालों का भी ध्यान रखना, स्वस्थ रहना और जय हिंद।